बच्चों आज हम जोड़ना सीखेंगे। जोड़ने का मतलब होता है मिलाना। जब हम किसी संख्या से दूसरी संख्या को मिलाते हैं हम उसको जोड़ना कहते हैं। इससे पहले जोड़ना सीखने से पहले हम लोग संख्या सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं संख्या। मैं बोलूंगी और मेरे पीछे पीछे आप लोग भी बोलिएगा। एक, एक, दो, 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 तीन, तीन, चार, चार, पांच, पांच, छः, छः, सात, सात, आठ, आठ, नौ, नौ, और ये दस, दस। तो आपने देखा बच्चों, ये है संख्याएं एक से लेके दस तक की। अब मैं आपको एक जादू दिखाती हूँ, जादू संख्याओं का, जादू जोड़ने का। तो चलो अब हम एक जादू करते हैं, जादू नंबरों का, जादू संख्याओं का या जादू जोड़ने का। मानो तुम्हारे पास एक संतरा है, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें एक और संतरा दे दिया, तो कुल मिलाकर तुम्हारे पास कितने संतरे हुए? एक, दो, कुल मिलाके कितना हुआ बच्चों? दो, दो संतरे। तो अगर हमें यही चीज गणित की भाषा में लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? एक संतरा मिला, एक और संतरा कुल मिला के हुए दो संतरे। अब फिर से, एक संतरे में जब हमने एक और संतरा मिलाया तो जब भी हम मिलाना बोलेंगे हम उपयोग करेंगे इस निशान का। इस निशान को कहते हैं जोड़ना। क्या कहते हैं बच्चों? जोड़ना। एक में जोड़ा एक कितने के बराबर हुआ? दो के। तो इस निशान को हम लोग कहेंगे बराबर। क्या कहेंगे बच्चों? बराबर। तो ये निशान हुआ जोड़ना और ये निशान हुआ बराबर। तो अब आप कहोगे इसमें जादू क्या है? जादू आगे हम आपको दिखाते हैं। अब आपके पास कुल कितने संतरे थे? दो संतरे। अब उसी अच्छे दोस्त ने आपको एक और संतरा दे दिया, तो कुल मिला के कितने संतरे हुए? मेरे साथ गिनती करो बच्चों। एक, एक, दो, दो, तीन, तीन। तो कुल मिला के हमारे पास हुए तीन संतरे। कितने संतरे हुए बच्चों? तीन। तो हम इसको गणित की भाषा में लिख के देखते हैं। दो संतरे उसमें हमने मिलाया। अब जब भी मैं कहूंगी मिलाया मतलब जोड़ा, उसमें हमने मिलाया एक और संतरा, तो कितने के बराबर? बराबर मतलब ये निशान, कितने के बराबर हुआ बच्चों? तीन, तीन के बराबर। दूसरा उदाहरण देखते हैं। हमारे पास है, अब कितने संतरे हैं बच्चों? तीन, तीन, एक, दो, तीन। हमें मिला एक और संतरा, तो हमारे पास कितने संतरे हैं बच्चों? एक, मेरे साथ गिनती करो, दो, दो, तीन, तीन, और चार संतरे। चार। तो तीन में हमने मिलाया एक संतरा, कुल कितने संतरे हुए बच्चों? चार। तो हम इसको गणित की भाषा में भी लिख के देखते हैं। कैसे? तीन संतरे मिला
एक और संतरा, मिला मतलब जोड़ा, बराबर मतलब ये निशान, तीन में जोड़ा और मिला एक संतरा, तो हुआ कितने संतरों के बराबर बच्चों? चार। चार संतरों के बराबर। तो हम जादू देखें, जादू है ये जो अब तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, जब किसी भी संख्या में हम एक जोड़ते हैं, जब किसी भी संख्या में हम एक जोड़ते हैं तो वो बराबर होता है उसकी अगली संख्या के। जैसे एक में जोड़ा एक बराबर हुआ दो, दो में जोड़ा एक बराबर हुआ तीन, तीन में जोड़ा एक बराबर हुआ चार। अब हम पीछे चलते हैं जहां हमने गिनती लिखी है, एक में जोड़ा एक बराबर हुआ दो, दो में जोड़ा एक बराबर हुआ तीन, तीन में जोड़ा एक बराबर हुआ चार, और वैसे ही चार में जोड़ा एक तो कितना हुआ बच्चों? पांच। चलो बच्चों जादू हुआ बहुत, अब हमें खेल खेलते हैं, खेल वही पुराना खेल, जोड़ने का खेल। मारो तुमने एक पेड़ से तीन आम तोड़े, तो एक आम, दो आम और तीन आम, ये तीन आम लेके तुम लोग अपने घर जा रहे थे। रास्ते में मिले तुम्हें सूबेदार पान सिंह, सूबेदार पान सिंह ने खुश होकर तुम्हें दो और आम दिए, तो मेरे साथ बोलो एक एक, दो दो। तो तीन आम तुम्हारे पास पहले से थे, सूबेदार पान सिंह ने तुम्हें दो और आम दिए, तो कुल मिला के कितने आम दिए? मेरे साथ साथ गिनो बच्चों, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच। अब हम इसको गणित की भाषा में लिख के देख लें, पहले थे तुम्हारे पास तीन आम, सूबेदार पान सिंह ने दिए तुम्हें दो दो आम, इनको मिला के, जब भी मैं मिलाना बोलूं मतलब जोड़ना, इनको मिलाया तो कुल कितने आम हुए बच्चों? पांच आम। पांच आम, तो तीन में जोड़ा दो हुआ बराबर कितने आम के? पांच। पांच आम। अब यही चीज हम लोग लकीरों से करके देखते हैं, जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे लकीरें अपनी कॉपी में खींचते जाना। तुम्हारे पास पहले कितने आम थे? तीन आम, तो हम खींचेंगे कितनी लकीरें? तीन लकीरें, एक दो तीन। सूबेदार पान सिंह ने तुम्हें कितने और आम दिए? दो आम, तो हम लोग कितनी लकीरें खींचेंगे बच्चों? एक दो लकीरें, तो कुल मिला के हम लोग क्या करेंगे? इन लकीरों को गिनेंगे, तो मेरे साथ गिनो बच्चों, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच। कुल कितनी लकीरें हुई बच्चों? पांच। एक दो तीन चार पांच, पांच लकीरें। तो इसको हम गणित की भाषा में लिखें, तीन को मिलाया या जोड़ा दो से तो हमारे पास कितनी लकीरें हुई बच्चों? पांच। हमारे पास हुई कुल मिला के पांच लकीरें, तीन में जोड़ा दो हुआ बराबर पांच। अब तुम लोग अपनी कॉपी में लिखो, अपनी कॉपी में देखो और लिखो, तीन जोड़ा दो बराबर पांच, कितना लिखा बच्चों? पांच। बच्चों अब हम देखते हैं असल जिंदगी में जोड़ का खेल कितना मजेदार होता है, तो आओ देखें। कंचे तो तुम सभी खेलते होगे, तो हम देखते हैं जोड़ने का खेल कंचों के साथ कितना मजेदार है। मानो तुम्हारे पास चार कंचे हैं, एक दो तीन चार, कितने कंचे हैं बच्चों? चार। पर चार कंचों से तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें खेलने के लिए कुछ और कंचे चाहिए,
मानो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 5 और कंचे दिए। 1, 2, 3, 4, 5 कितने और कंचे दिए बच्चों? 5 कंचे। अब देखना ये है कि अब तुम्हारे पास कुल मिला के कितने कंचे हुए, तो देखते हैं। मेरे साथ साथ बोलो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो कुल मिला के कितने कंचे हुए बच्चों? 9 कंचे। तो हम एक और मजेदार बात यहाँ पे सीखेंगे। अब मानो तुम्हारे पास पहले 5 कंचे थे, 1, 2, 3, 4 और 5 तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें 4 और कंचे दिए। कितने कंचे दिए? 4 कंचे। 1, 2, 3, 4 अब देखते हैं कुल मिला के तुम्हारे पास कितने कंचे होंगे। तो गिनना शुरू करें, मेरे साथ साथ गिनो बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तो हुआ ना मजेदार। चाहे 4 में हम 5 जोड़े या 5 में हम 4 जोड़े, दोनों का मतलब होता है 9। चलो अब हम इसे गणित की भाषा में करके देखते हैं। तो तुम्हें याद होगा बच्चों, शुरू में तुम्हारे पास थे कितने कंचे? 4। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें कितने और कंचे दिए? 5। तो 4 में जब हम मिलाएंगे 5, जब भी मैं मिलाऊं बोलूं तो हमें क्या कहना है? जोड़ना। 4 में जोड़ा 5 बराबर हुआ किसके? बोलो बच्चों, 9। तो 4 में जोड़ा 5 बराबर हुआ 9। और यहीं पे हमने एक मजे की बात भी देखी थी, वो बात क्या थी कि अब मानो तुम्हारे पास है 5 कंचे, तुम्हें मिले और 4 कंचे। 5 में मिलाया 4, मिलाने का क्या मतलब होता है बच्चों? जोड़ना। बराबर हुआ कितने के? 9 कंचे। तो हमने क्या बात सीखी थी? चाहे 4 में जोड़े 5 या 5 में जोड़े 4, उत्तर हमारा क्या आएगा? 9। तो यही चीज जो हमने गणित की भाषा में करके देखी है, अब अपनी अपनी कॉपियों में लकीरों से सीखें। तो मेरे साथ बोलना बच्चों, तुम्हारे पास थी 4 लकीरें, 4 कंचे, तो हम लोग खींचेंगे 4 लकीर। 1, 2, 3, 4 तुम्हें मिली 5 और कंचे, तो हम लोग खींचेंगे कितनी और लाइनें? 5 और लाइनें। 1, 2, 3, 4 और 5 4 लकीरें और 5 लकीरें। अब हम इसको जल्दी से फिर से गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो कुल मिला के हमारे पास कितनी लकीरें हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो जो मजे की बात जो हमने करी थी उसे भी लकीरों की सहायता से देख लेते हैं। पहले तुम्हारे पास थी 5 लकीर, 1, 2, 3, 4, 5
तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें दिए चार और कंचे, तो हम खींचेंगे कितनी और लकीरें? चार और लकीरें। कैसे? एक दो तीन चार। अब गिन के बताओ ये कितनी लकीरें हुई? एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और नौ। तो कुल मिला के कितनी लकीरें हुई? एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ। तो लकीरों की सहायता से हम ये बता सकते हैं, चाहे चार में जोड़ो पांच या फिर पांच में जोड़ो चार, उत्तर क्या आता है बच्चों? नौ। चलो बच्चों, हम एक और उदाहरण करते हैं। हमारे पास है एक संख्या छः, दूसरी संख्या हमारे पास है दो। अब देखते हैं कि छः में अगर दो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। तो मेरे साथ साथ गिनना बच्चों, छः को हम लकीरों से कैसे लिखेंगे? एक दो तीन चार पांच छः। दो को लकीरों में कैसे लिखेंगे? एक दो। तो हम इसको गिने बच्चों, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ। तो कुल मिला के कितनी लकीरें हुई? आठ। एक दो तीन चार पांच छः सात आठ। तो कहने का क्या मतलब हुआ? छः में मिलाया दो, मिलाया मतलब जोड़ना, छः में मिलाया दो बराबर हुआ कितने के? आठ के। है ना मजेदार? ये तो हुआ जब हम एक संख्या में दूसरी संख्या जोड़ते हैं। अब यहाँ पर मैं एक और बहुत मजेदार चीज दिखाने वाली हूँ। एक बार रामू की माँ ने रामू से बोला कि जाओ बाग से आठ फूल तोड़ के लाओ। तो रामू बाग में गया और कुछ फूल तोड़ के लाया। तो रामू जब बाग में गया, उसने फूल तोड़े, लेकिन उसे बाग में सात ही फूल मिले। तो देखें बच्चों, कितने फूल है ये? एक दो तीन चार पांच छः सात। तो कितने फूल हुए बच्चों? सात फूल। तो ये सात फूल लेके वो घर गया। तो उसकी माँ ने उसको बोला कि मैं तो तुम्हें आठ फूल लाने के बोले, तुम सात क्यों लाए? जाओ एक और फूल तोड़ के लाओ। रामू फिर से बाग में गया और बाग में उसने देखा कि उसे कोई भी फूल नहीं मिला। तो सात फूल वो पहले लाया, बाद में वो फिर बाग में गया और उसे एक भी फूल नहीं मिला। एक भी फूल नहीं मिला मतलब शून्य फूल मिला। कितना फूल मिला? शून्य फूल। तो हम इसको लकीरों की सहायता से करके देखें। पहले उसे बाग में कितना फूल मिला? एक दो तीन चार पांच छः सात। वो दोबारा जब बाग में गया तो उसे कितना फूल मिला? एक भी फूल नहीं मिला। एक भी फूल नहीं मिला मतलब शून्य फूल मिला। तो शून्य फूल। अब देखिए कुल मिला के उसके पास कितने फूल है? एक दो तीन चार पांच छः सात और शून्य। तो कुल मिला के हमारे पास कितने फूल हुए? सात फूल। तो हम इसे गणित की भाषा में लिख के देखते हैं बच्चों। सात में मिलाया या जोड़ा शून्य, तो हमारे पास कितना आना चाहिए बच्चों? बराबर सात। इसका मतलब किसी भी संख्या में जब हम शून्य जोड़ते हैं तो उसका जवाब हमेशा वही संख्या होती है जिसमें शून्य जोड़ा गया। तो हम इसको और उदाहरण से कर लें। एक में जोड़ा या मिलाया शून्य, तो कितना होना चाहिए बताओ बच्चों? एक। बहुत अच्छा, एक।
दो में जोड़ा या मिलाया शून्य, तो जवाब कितना होना चाहिए? दो। दो। इसी तरीके से एक और उदाहरण करके देख लेते हैं, इसको हम लकीरों की सहायता से भी करके देखेंगे। तीन में जोड़ा या मिलाया शून्य, इसको लकीरों से करके देख लें। कितनी लकीरें खींचेंगे बच्चों हम पहले? तीन। एक, दो, तीन। जीरो के लिए कितनी लकीरें खींचेंगे? शून्य। शून्य मतलब कोई लकीर नहीं, तो हमारे पास जवाब कितना आना चाहिए? कुल मिला के कितनी लकीरें हुई? एक, दो, तीन। तीन लकीरें, तो तीन में जब मिलाएंगे या जोड़ेंगे शून्य तो जवाब आएगा तीन। तीन। अब इसी तरह से चार में मिला के देखें हम शून्य को। चार में मिलाया या जोड़ा शून्य तो जवाब क्या आएगा? चार। चार। तो ये थी कहानी शून्य की। तो हम कह सकते हैं जब किसी भी संख्या में शून्य जोड़ेंगे, शून्य को अंग्रेजी में हम लोग जीरो भी कहते हैं, तो किसी भी संख्या में हम लोग शून्य जोड़ेंगे तो जवाब हमारा आएगा वही संख्या। बच्चों अब तक हमने बहुत उदाहरण कर लिए, जोड़ने के उदाहरण। पहला उदाहरण हमने किया आम का उदाहरण, दूसरा कंचे का उदाहरण। तो अब तक मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जोड़ना आ ही गया होगा। तो यही देखने के लिए हम लोग एक नया सवाल करेंगे, एक नया खेल खेलेंगे। जैसा कि यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, ऐसी ही चीज आप लोगों की कॉपियों में भी लिखी होगी। इसमें एक तरफ कुछ सवाल लिखे हैं और एक तरफ उनके जवाब लिखे हैं। तो इसमें करना क्या है, इस खेल को खेलने के लिए हर एक सवाल को हल करेंगे और इधर से हम मिलाएंगे कि इनमें से जवाब कौन सा सही है। जो भी जवाब सही होगा हम उसको इस खाने में लिखेंगे। तो करते हैं पहला सवाल। एक, एक, एक में जोड़ा एक तो कितना हुआ? हम इसको लकीरों के तरीके से करके देखें। एक लकीर, दो लकीर। अब मेरे साथ गिनो बच्चों। एक, एक, दो, दो। तो एक में मिलाया एक या एक में जोड़ा एक तो कितना आया? दो, दो। तो देखें यहाँ पर दो कहाँ है? क्या ये है दो? नहीं। क्या ये है दो? नहीं। ये रहा दो, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? दो। तो हम इस दो को यहां से हटाकर यहां लिख देते हैं, है ना मजेदार? चलो हम अब अपना अगला सवाल करते हैं। तो चलो अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है? हमारे पास है दो नंबर, उसमें मिलाया तीन नंबर तो कितना होगा? तो चलो इसे करते हैं अपनी लकीरों की सहायता से। तो पहले हमें कितनी लकीर खींचनी होगी बच्चों? दो। इसमें हमने कितनी मिलाया? तीन। तो कितनी लकीर खींचनी होगी बोलो बच्चों? तीन। एक, दो, तीन। कुल कितनी लकीरें हुई? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो कुल मिला के हमारे पास कितनी लकीरें हुई बच्चों बोलो? पांच। पांच लकीरें। तो मतलब दो में मिलाया तीन या दो में जोड़ा तीन तो हुआ पांच। अब हम अपने इसमें ढूंढे पांच कहाँ है? क्या ये है पांच? नहीं, ये है पांच। तो हम इसको यहां से हटाकर अपने जवाब में लिख देंगे। दो में जोड़ा तीन बराबर हुआ पांच के। अगला करें, ये वही मजेदार सवाल है बच्चों जो हमने किया था। चार में जोड़ा शून्य या चार में जोड़ा जीरो तो क्या जवाब हुआ? तो फिर से वही हमारा पुराना तरीका लकीरों वाला। पहले हम कितनी लकीरें खींचेंगे बच्चों? चार। एक, दो, तीन, चार। इसमें हमें कितना जोड़ना है? जीरो। जीरो मतलब शून्य, शून्य मतलब कुछ नहीं। तो चार में जोड़ा कुछ नहीं तो वापस हमें क्या मिलेगा बच्चों? चार।
तो हम ढूंढें यहाँ चार कहाँ है, ये भी नहीं है चार, ये भी नहीं है चार, ये भी नहीं है, और मुझे पता है मुझसे पहले तुम लोगों ने ढूंढ लिया हुआ, ये रहा चार। तो हम क्या करेंगे, चार को यहाँ से हटा के बराबर कर देंगे चार के। अगला सवाल, तीन में जोड़ा छह तो कितना हुआ, तो तुम्हारे पास तीन था तो हम तीन लकीर खींचेंगे, एक दो तीन, छह के लिए कितनी लकीरें खींचेंगे बच्चों बोलो, छह, एक दो तीन चार पांच छह। अब हम इन लकीरों को गिन लेते हैं, तीन यहां तक थी, इसके बाद से गिनेंगे चार पांच छह सात आठ नौ, तो कुल मिला के कितनी लकीरें हुई बच्चों, नौ लकीरें। तो नौ हमारा कहाँ है, ये रहा नौ, तो हम इस नौ को यहां से हटाकर कहां लिख देंगे, यहां पर, ये हो गया नौ। तीन में जोड़ा छह बराबर हुआ नौ के। अगला सवाल करते हैं, अब अगला सवाल क्या है, ये छह में जोड़ा तीन, मुझे नहीं लगता मुझे ये आप लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि यही तो हमारा मजेदार खेल था कि तीन में जोड़ो छह या छह में जोड़ो तीन, जवाब कैसा होना चाहिए, बराबर। तो करके देखते हैं इसको, पहले हम कितनी लकीरें खींचेंगे, छह लकीरें, एक दो तीन चार पांच छह, इसमें और कितनी लकीरें मिलानी है, तीन लकीरें, एक दो तीन लकीरें। तो हम इसको गिन के देख लेते हैं, यहां तक हमारा छह लकीरें थी, हम इसके आगे से गिनेंगे, तो सात आठ नौ लकीरें। तो छह में जोड़ा तीन कितना हुआ, नौ, और यहां हमने देखा था तीन में जोड़ा छह तब भी हुआ था नौ, तो हम नौ ढूंढे, ये रहा नौ, और नौ को हम उठा के यहां लिख देंगे। तो तीन में जोड़ो छह या छह में जोड़ो तीन, जवाब क्या आएगा, नौ। अगला सवाल करते हैं, चार में जोड़ना है तीन, तो कैसे, चार लकीरें खींचेंगे हम लोग, एक दो तीन चार, और कितनी लकीरें हमें और खींचनी होंगी इसमें बोलो बच्चों, तीन, तीन लकीरें, एक दो तीन, तो कुल मिला के कितनी हुई, चार यहां तक हो गई थी, यहां हम फिर से गिन के देख लेते हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, मतलब चार में अगर हम तीन जोड़ेंगे तो जवाब हमारे पास आएगा सात, तो सात कहाँ है, ये है सात, नहीं ये है सात, तो हम इस सात को यहां लिख देंगे, इसका मतलब चार में जोड़ा तीन बराबर हुआ सात के। अगला सवाल करें, हमारा जादू वाला सवाल है, जो जादू हमने देखा था, किसी भी संख्या में एक जोड़ने से हमें उसकी अगली संख्या मिलती है, तो यहाँ देख के तुम्हें पता ही चल गया होगा अगली संख्या क्या होगी, हम फिर भी इसे लकीरों वाले तरीके से करके देखते हैं। एक में जोड़ा सात, तो पहले हम कितनी लकीर खींचेंगे बच्चों, एक, एक जोड़ना क्या है सात, तो अब कितनी लकीर खींचनी होंगी बच्चों, सात, तो मेरे साथ बोलो, एक दो तीन चार पांच छह सात। अब मेरे साथ गिन के बताओ बच्चों कितनी लकीरें हुई, एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छह छह सात सात और आठ, हो गया ना जादू, किसी भी संख्या में एक जोड़ने से उसकी अगली संख्या मिलती है, तो सात के बाद क्या आता है बच्चों, आठ, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, आठ, और आठ कहाँ लिखा है, यहाँ पे ये लिखा आठ, तो हम इस एक आठ को उठा के यहाँ से कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे,
आखिरी सवाल, 3 में जोड़ा 3, बहुत सरल है, अब तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, करके देखते हैं फिर भी। पहले हम कितनी लाइन खींचेंगे बच्चों? 3। 1, 2, 3, जोड़ना क्या है इसमें? 3, तो कितनी और लाइन खींचेंगे बच्चों? 3। 1, 2, 3, अब हम इन्हें गिन के देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो जवाब मान के आना चाहिए 6। 6 कहाँ लिखा है? अब तो बचा ही यही है, तो हमारा जवाब क्या होगा? 6। 6 को यहाँ से हटा के हम लोग यहाँ लिख देंगे, 3 में जोड़ा 3 = 6 के। तो है ना मजेदार खेल? अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को जोड़ना आ गया होगा। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखे हुए सवालों को हल करें और जो कुछ भी तुमने सीखा है उसका रोज अभ्यास करना।